आज से ठीक 15 दिन बाद इस बच्चे की पत्नी इसके मृत्यु का कारण बन सकती है। अगर सृष्टि जी यहाँ से चली गई ना तो हम आज ही मर जाएंगे। हम नहीं रह सकते इनके बिना। बहुत प्यार करते हैं हम इनसे। विशु सृष्टि पे खुद से ज्यादा भरोसा करता है, इसलिए तुम ये सब मत सोचो राखी। कुछ नहीं होगा और यही भरोसा उन दोनों को संभालेगा। जब आप उन्हें घर से नहीं निकाल पाई हैं, तो अपने छोटे से नन्हे से बच्चे को एनएलबी मैडम के चंगुल से कैसे बचाएंगी? यह हलवा तुम बनाए हो? जी। किसके लिए? विष्णु जी के लिए, लेकिन हमने इसमें कुछ। यह हलवा चखो। डर काहे लग रहा है, चखो। जहर का कोनो असर बाकी दिख तो नहीं रहा है। देखो जवान चेक करो, शायद वो काला पड़ गया होगा। ये ठीक कर रही हूँ, जवान निकाल। बस हो गया आपका जांच पड़ताल? अरे जिंदा खड़ी आपके सामने वो काफी नहीं है का? जाओ आप यहाँ से, जाओ। सासुमी आप छोटे ससुर जी, हम अभी खाना बना देते हैं और लाते हैं आप सबके लिए। आप अब तुम ही का रोना धोना शुरू कर दी। हाँ सिस्टी, अभी तो ना सिर्फ शुरुआत है, अभी तो पता नहीं तुम्हें काका सुनना है और काका सहना पड़ेगा। तुम ना बस देवर जी के प्यार पे भरोसा रखो, बाकी सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। और अभी तुम ना अपने हाथ का बनाया हुआ खुशबूदार गाजर का हलवा अपने पति देव को जाके खिला दो। जाओ। हम जाते। अरे एक मिनट, एक मिनट, इस पे वो आई लव यू लिखना बाकी है। इस पे आई लव यू? हाँ दो। सृष्टि लो, अब तुम अपने हाथ से दे बच्ची के लिए आई लव यू लिख दो। लिखे, चलो लिखो, जल्दी लिखो। लिख रहे हैं। लिखो लिखो लिखो। और सुनो, देवर जी के पास ऐसा मुंह नहीं, ऐसा मुंह बना के जाओ, ठीक है? क्या कहते हो तुम, इस्माइल? जा। आज तो सृष्टि प्यार का इजहार कर ही देगी। विष्णु जी नीचे आइए ना, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं और कुछ खिलाना भी चाहते हैं। अच्छा, खिलाने के साथ साथ कुछ कहना भी चाहती हैं, तो आप ही ऊपर आ जाइए। अच्छा अच्छा अच्छा, आप वहीं रुकिए, हम नीचे आते हैं।
हम तो आपसे बहुत देख लिया आप सबने, कुछ और देखना बाकी है। हम कह रहे ना, इसने जानबूझ कर धक्का दिया है विशु को। नहीं माँ, ऐसा नहीं है। हम कह रहे ना, बाबा जी का भविष्य कभी गलत नहीं हो सकता। सासू मामी, श्री जी, माँ, श्रीमती, हे भगवान, अरे बिस्तु तुमको तो बहुत है, खून खून बह रहा बेटा। अरे जुलरी आता नहीं, बरस लिया। आओ बेटा, हम लोग वाईएलएलबी मैडम जी, कमाल है, तुम्हारा खोपड़ी तो बहुत ही चालाक है। अरे सीढ़ियों से धक्का दे दिया और कह दिया कि एक्सीडेंट हो गया। एलएलबी के ज्ञान का क्या इस्तेमाल किया जा रहा है? वाह 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 वाह, चुप करो तुम। देखा है तुमने सृष्टि को, विश्व को धक्का देते हुए? फिर हम पूछ रहे हैं, किसी ने देखा है सृष्टि को धक्का देते हुए? कहा श्रीमती जी, अभी कहा वहम पाल के बैठी है मन में? अरे निकलिए उससे बाहर भाई। बात जो है वो धक्का मारने ना मारने का नहीं है, बात यह है कि विश्व जो अभी गिरा है वो इसके कारण गिरा है। वैसे ही बर आया हुआ रहता इसके पीछे, इसने बुलाया होगा और बिना सोचे समझे दौड़ के गया होगा और फिसल के गिर गया होगा। तुम एकदम ठीक कर रही हो बुआ, हमने तुमको शुरू से कहते थे कि काला जादू कह ले अभी सुबह ऊपर। इसके ऊपर जो भी संकट आया है ना आज तक, सारा जो है वो इसी की वजह से आया है। तुम चलो बेटा हमारे साथ, हम तुमको ना दवा लगा देते हैं। नहीं माँ, आप परेशान मत होइए, सृष्टि जी को आता है मरहम लगाना। चलिए सृष्टि जी। पता नहीं कहाँ घुट्टी पिलाए हमारे बेटा को, तो इसके सिवाय जो है ना इसको कोनो दिखाई नहीं पड़ता है, अंधा हो गया है। अरे एक मिनट एक मिनट, ये का है? ये यहां तो बहुत सारा तेल बिखरा है, ये देखो। तेल
कि अब वहाँ ही देखो, यहाँ हलवा की रलाई देखो। जब नियतें खराब है कर पक्का कह सकते हैं। चलिए सृष्टि जी, चलिए। आप सब लोग ना गलत आरोप लगा रहे हो सृष्टि पे। सासू में आप ही ने ना देखा था, वो खुद ही ना चखी थी रसोई में ये हलवा, फिर आप ही। जो हमारा यह है ना, हमको ही लगा कि उसने हलवा में कुछ मिलाया है, लेकिन उसका नियत तो कुछ और ही था। उसका चाल बिसु को जो है वो सीढ़ियों से गिराने वाला था और वो कामयाब हो गई। तो भगवान का मेहरबानी है कि कुरान होने नहीं हुआ। माँ बस कीजिए प्लीज, ये तेल किसी से भी घर में गिर सकता है। ये एक एक्सीडेंट हो गया, और प्लीज आप ही फालतू का वहन मत कीजिए वरना आपको हर चीज गलत लगेगी। हाँ बेटा, तुम्हारी बीवी कम थी कि तुम भी उसका तरफदारी कर रहे हो। तुम सब जो आग पर पट्टी बांध सकते हो, लेकिन हम जिंदा मक्खी नहीं निकल सकते, हम कह रहे हैं। अरे खत्म कीजिए बात को श्रीमती जी, आप तो रबर की तरह खींच देती हैं एकदम। इसका मतलब तो ये भी हुआ कि आप भी जो है बाबा जी का भविष्यवाणी पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हमें देखेंगे कि हम वो क्या कर रहे हैं। सैया जी, हम अभी यहाँ खड़े होके क्या करें? चलिए कमरे में चलते हैं। मिस्टर जी, जब आप सही बात पे हमारा साथ देते हैं ना, तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है। बिल्कुल परेशान मत हुई है, हमें बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा। आप बहुत बहादुर हैं विष्णु जी। आपको बुरा लग रहा है ना जिस तरीके से माँ ने आपसे बात की? नहीं विष्णु जी, सासू माँ बाबा जी की बातों पर यकीन करती है, इसलिए घबरा गई होंगे। तकलीफ समझते हैं, जब आपको चोट लगी थी हम भी घबरा गए थे। सृष्टि जी, आपको इतना भला बुरा कहती है, उसके बाद भी आप माँ का कितना ख्याल रखती हैं। माँ, माँ, हमने आपसे मना किया ना कि सृष्टि जी घर छोड़कर नहीं जाएंगी। हमारा इतना औकात कहाँ है कि हम हमारे सृष्टि जी को जो है वो घर से बाहर निकाल पाए। लेकिन हम तुमको तो खतरा से निकाल सकते हैं ना। आज से जो है तुम हमारा कमरा में रहोगे। आप कहीं नहीं जाएंगे, हम यहाँ ना एकदम सुरक्षित हैं। हमको एक बात बताओ, हमारे बप्पा में ऐसा कौन सा कमी रह गया कि हमसे ज्यादा
आपको इस पर भरोसा है। इसी की वजह से ना तुम अभी गिरे और चोट लगा। हमें यकीन कीजिए, हमें कुछ नहीं होगा। ठीक है बेटा, तुमको जो मन में आए ना वो करो, लेकिन एक बात ना याद रखना मिसु, तुम हमारे पास आओगे वो भी इससे बचने के लिए। शायद हमरे शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए रज्जू ने कार्ड खुलवाया है। का हुआ सैया जी, ऐसे मुंह लटका के काहे बैठे हैं? अपनी रज्जू रानी से बतियाएंगे नहीं का? तुमसे नहीं बतियाएंगे तो किससे बतियाएंगे रज्जू? एक वही तो जो हमारा बात समझती है। अच्छा तो हमें ये बताइए, आप ना काहे इतना परेशान लग रहे हैं, बताइए ना। रज्जू हम विशु का बात सोच के परेशान है। विशु भैया और भौजी से ज्यादा ना हमारा बेटा है। क्या कह रहे हैं आप? विशु आपका बेटा है? रज्जू जी आप ना अब गलत विचार करने लगती हैं भाई। हम विशु को लेकर चिंतित हैं। कमलावती ने विशु को जन्म नहीं दिया था, लेकिन हम दोनों ने विशु को बचपन से पाला पोसा है। विशु को कोनो चीज का जरूरत होता था ना, हम फौरन हाजिर कर देते थे। जब से सृष्टि आई है ना, विशु का जिंदगी में बहुत परेशानी आ गया है। जो बाबा जो बोले हैं सैया जी, हमरे भोले भाले सैया जी, अरे कुछ नहीं होगा विशु बबुआ को। अच्छा हम मानते हैं ये जो बाबा जी है ना, उनका बात ना कभी भी गलत साबित नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपकी रज्जू रानी है ना, और वो जो सृष्टि है ना, सृष्टि पे तो हम हमेशा ही नजर रखेंगे। धन्यवाद रज्जू, आपने ये बात कह के हमारा मन हल्का कर दिया। सैया जी धन्यवाद का है सैया जी, और वैसे भी आपका जो भी दुख और तकलीफ है ना, वो हमरा भी तो है। अच्छा वैसे एक बात बताएं हम आपको, हमें ना पहले से पता था कि आज आप ना बहुत ही परेशान होंगे, तभी तो हम आपका ये जो मूड है ना उसे एकदम सही करने के लिए हम एक खास चीज लाए हैं। ए दुलरिया कहाँ रह गई है, कब से ना आवाज दे रहा है हमको, बहुत ही माथा दुख रहा है, तनी जल्दी आओ। आराम लग रहा है ये दुलरिया, वो कानून वाली का चेहरा देखता ना हमार तो माथा गरमा जाता है। सासुमिया अब आराम मिल रहा है ना? सासुमिया आराम मिल रहा है तो आप आराम कर लीजिए। वो कहा है ना कि कानून की देवी ना चाहे जैसी भी हो, लेकिन वो देवर जी से ना बहुत ही प्यार करती है, और वो देवर जी को कभी कोनो नुकसान नहीं पहुंचाएगी। आपका जो ये बहम है ना सासू मैया, ये बेकार है का है, आप तुम उसका वकालत करने आई हो, निकलो यहाँ से। अच्छा सासू मैया वो छोड़िए वकालत वकालत सब, आप बैठिए, आपको आराम मिल रहा था ना, हम आपको सर दबा देते हैं। कानून वाली जब तक इस घर में रहेगी ना, हमारा आराम जो हराम है, और नहीं चाहिए तुम्हारा कोनो सेवा, तुम जाओ यहाँ से, निकलो।
सासू मियां, हम आपको ना बिल्कुल भी गुस्सा नहीं दिलाना चाहते थे। पानी यहाँ रख दिया है, आप पी लीजिए, आपका माथा थोड़ा ठंडा हो जाएगा। हम जा रहे हैं। क्या तेरी की ससुरा इकोसिस भी हमारा बेकार ही चला गया। सासू मियां तो कोई बातें सुनने को तैयार ही नहीं है।